हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये की है ब्रेजा की। यहाँ पर देखिए अब इसको ये अनलॉक है गाड़ी अभी, ठीक है। ये मैंने लॉक कर दी, लॉक तो कर दी गाड़ी, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि ये गाड़ी जो है लॉक होने के बाद में यहाँ पर देखिए ग्लास बंद नहीं हुए हैं बिल्कुल भी, ग्लास यहीं पर रह गए हैं, इसका ग्लास भी यहीं रह गया है। तो ये एक्चुअली क्या है, हम कभी कभार क्या जल्दी में होते हैं ना, तो यहाँ पर हम ग्लास बंद करना भूल जाते हैं और गाड़ी क्या ओपन रह जाती है। मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसा कि गाड़ी ओपन रह गई है। तो इस चीज़ के लिए मैं ना यहाँ पर आपको एक डिवाइस बताने वाला हूँ जो अपन लगाएंगे, और फिर जैसे ही गाड़ी लॉक होगी ना वैसे ही ये पता है ग्लास अपने आप चढ़ जाएंगे चारों के चारों। ये गाड़ी है मेरी, ये देखिए, ये मैं इसको लॉक करूँगा, अभी गाड़ी ओपन है। तो जैसे मैंने ये गाड़ी लॉक करी देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीछे का ग्लास उठ गया है, ये आगे का ग्लास उठ गया है बिल्कुल, उधर का ग्लास बंद हो चुका है और ये वाला ग्लास बंद होने वाला, देखिए ये ग्लास बंद हो रहा है इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से गाड़ी बंद हो चुकी है, ग्लास भी लॉक हो चुके हैं बिल्कुल चारों। तो ये रिले लगवा रहे हैं अपन यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए गाड़ी खोलते हैं अपन, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है ये आरडी कंपनी का है रिले, जो कि मैं यहाँ पर लगवा रहा हूँ, आपको देखने को मिल रहा है आरडी कंपनी का। तो ये रिले लगेगा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये देख लीजिए रिले है ये, और ये अपना जो ऑटोमेटिक गाड़ी का जो खुद का पावर विंडो आया है इसी के अंदर लगेगा बिल्कुल यहीं पे, और यहीं से कंट्रोल होगा, और फिर मैं जब लॉक करूँगा तो गाड़ी का ये ग्लास जो है ये अपने आप चढ़ जाएगा बिल्कुल, चारों डोर एक साथ चढ़ेंगे, और जैसे लॉक खोलूँगा वैसे ही वैसे नॉर्मल रहेगा बिल्कुल, इसी गाड़ी के अंदर लगेगा। तो ये भैया लगा रहे हैं, तो मैं आपको पूरा वीडियो बता रहा हूँ कि कैसे लगेगा ये। भैया लगाइए आप, बिल्कुल ये अपनी ही गाड़ी के अंदर और इसी डोर के अंदर और उसी रिले के अंदर लगेगा जो अपनी गाड़ी का पूरा पावर विंडो है, क्योंकि गाड़ी का पावर विंडो यहीं से कंट्रोल होता है सारा, ठीक है। तो यहाँ से मैनुअल चढ़ानी पड़ती है, जब मैं चढ़ाता हूँ तब चारों चढ़ती है, लेकिन एक्चुअली होता यह है कि हम जल्दीबाजी में भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं भी एक बार लगवा के दिखा रहा हूँ आपको, मैं दिखाऊँगा कितना मज़ा आने वाला है लगने के बाद में कैसा लगेगा। और ये जो मैं लगवा रहा हूँ जयपुर के अंदर लगवा रहा हूँ, मेट्रो पिलर नंबर 21 के सामने है बिल्कुल, और ये अरिहंत कार डेकोर है मानसरोवर के अंदर, न्यू सांगाने रोड है, जो कि अगर आप इधर से आते हो अजमेर रोड से सीधा अजमेर रोड से गुजर थड़ी साइड जाता है सोडाला की साइड, ये रोड न्यू सांगाने रोड है जयपुर मेट्रो के नीचे पिलर नंबर 21 के यहाँ पे लगवा रहा हूँ मैं बिल्कुल। अगर आप मेरे फोर टायर द कार रिव्यू का नाम लोगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसी डोर के अंदर लगेगा ये बिल्कुल, जो अपना डोर है मेन फ्रंट ड्राइवर साइड वाला डोर है इसी में लगेगा, और यहाँ पर जो है भैया कोशिश कर रहे हैं इसको खोलने की, बिल्कुल आराम से खोल रहे हैं ताकि कोई कंपनी फिटेड चीज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। एक एडवांस फीचर है जो कि होना चाहिए अपने पास में, क्योंकि हर बार अपन एक ड्राइवर की तरह ग्लास चढ़ाते हुए अच्छे नहीं लगते, ऑटोमेटिक हो जाएगा, सारे ग्लास अपने आप चढ़ जाएंगे। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से निकला है अपना कंपनी फिटेड का जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा, और इस तरह से है। अब ये रिले जो है इसी में लगेगा, देखो सिर्फ इसी के अंदर अटैच हो गया, क्योंकि ये जो है भैया एक बार डोर दिखाना आप मेरे को, ये डोर वाला का जो था बैक वाला ये था यहाँ पर, ठीक है, तो इसका यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर अटैचमेंट है देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, ये अटैचमेंट बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ था, जो यहाँ से अटैचमेंट उठा करके ये रिले के अंदर लग चुका है, और रिले जो है अब इसके अंदर लग जाएगा बिल्कुल। ये इस तरह से इन्होंने कनेक्शन था जो यहाँ से उठा दिया बिल्कुल, और ये कंपनी जैसा काम करना बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये लगभग कनेक्शन चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये वापस जहाँ पे मैंने बताया था आपको वहीं से लगा रहे हैं इसको, कनेक्शन को डायरेक्ट वहाँ लग गया, रिले बीच में लग गया है इनका।
फिलहाल। डोर चेक कर रहे हैं, पीछे का डोर हो गया, आगे का हो गया। वापस खोल के दिखाना भैया, वापस खोल, देखो चेक कर रहे हैं, बिल्कुल डोर यहाँ पे खुल गया है। ये देखिए डोर खुलेंगे यहाँ से, ये डोर खुल गया है, ठीक है। अब लॉक करना भैया, लॉक कर, यहीं से लॉक करो। हाँ देखो मैं यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ, अब देखो मैं लॉक कर रहा हूँ। नीवा भी चेक कर रहे हैं, ये खोला, अब वो है, ये पैक, वो उधर वाला पहले हो रहा है, पहले उधर वाला, ये पीछे वाले हो गए, वो वाला हो गया, अब ये वाला होएगा, देख लीजिए चारों डोर इस तरह से हो रहे हैं। ऐसा क्यों? इसमें आपके पीछे से होंगे, वो बड़ी गाड़ी रह गई तो उसके आगे से, इसमें पहले से वो वाला फोर्थ नंबर का गेट पहले हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, फिर ये हो रहा है, उसमें क्या था? ऐसा कुछ तो नहीं है, कुछ यहाँ पे उल्टा कनेक्शन हो गया हो? ऐसा कुछ नहीं था, उसमें क्या था, जो फर्स्ट अपना फर्स्ट जो गिलास था ना, हाँ, वो कंपनी फिटेड से लोगों ने बाद में ऊपर आ जाता था, अपन ने वो तीन का कनेक्शन इसके साथ में इंक्लूड किया है उस वाली में। अच्छा, और इसमें आप वाली में वो वाला कनेक्शन पहले नहीं था, तो अपन ने आप वाली में चारों का कनेक्शन किया है। ओके ठीक है, तो अपना ड्राइवर वाला जो है लास्ट में होगा, और पहले ये पीछे के डोर दोनों बंद होंगे, फिर उधर का होगा, फिर इधर का होगा। लगभग कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, बिल्कुल एक छोटा सा रिले है जो लगा है यहाँ पर डिवाइस, और अब ये लोग जो है परमानेंट फ्यूज तार भी कनेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद में ये फाइनली हो जाएगा। इसकी 1 ईयर की वारंटी है, RD का बॉक्स है ये, ठीक है। ये टेप उठा रहे हैं यहाँ से, ये देखिए टेप पढ़ा दिया बिल्कुल, और ये यहाँ से चिपका देंगे अच्छे से बिल्कुल, तो ये बिल्कुल अच्छे से चिपका दिया है, और ये शायद अब हटेगा नहीं, आवाज़ भी नहीं करेगा, और बिल्कुल, और ये बिल्कुल कंपनी की वैसे ही सील पैक कर दिया है जैसे थे। यहाँ पर थोड़ा सा ये रह गया है, पाइप बाहर आने वाला है ये, शायद बारिश आ चुकी है बिल्कुल, भैया भी गीले हो चुके हैं, और देख रहे हैं कैसा रहेगा। भैया ने एक तार जो है अर्थिंग तार या बैटरी पावर, एक बैटरी पावर दिया रिले को, तो एक तार जो है इन्होंने यहाँ से जोड़ा है, रेड कलर वाला, ये बिल्कुल यहाँ से जाते हुए अंदर से गया है। ठीक है, ये डोर अच्छे से फिट हो चुका है यहाँ पर, और अब ये भैया जो है ये कुछ स्क्रू है यहाँ पर, ये बस बंद करेंगे और हो गया। बारिश बहुत आ रही है यहाँ पर, तो बारिश में थोड़ा वीडियो भी आपको गीला गीला नज़र आएगा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, ये दो हैंडल स्क्रू है बस, ये दो हैंडल स्क्रू कसेंगे और बिल्कुल गाड़ी फिट है, क्योंकि लॉक सिस्टम आता है, एक स्क्रू ये वाला है बस, इस तरह से दो तीन स्क्रू और गाड़ी ओके हो चुकी है। गाड़ी एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ इसका, कि गाड़ी का अपन ने जो डोर लगवाया है वो किस तरह से ये वायर जो है थोड़ा सा इधर से आया है, और ये देखते हैं अब कितने दिन चलता है, बाकी लगवा तो लिया है मैंने। और ये जो डिब्बा था यही था RD का, और इसके साथ में एक वारंटी कार्ड भी आया है, ये वारंटी कार्ड है 1 ईयर का, तो ये भैया इसको फिल कर देंगे, शायद कर दिया है इन्होंने, शायद इसको फिल करेंगे, और ये 2020 का दिखा रहा है अभी, इसको फिल करवाएंगे अपन, तो फिर देखते हैं वारंटी कैसे रहेगी इसकी। ठीक है, इस तरह से लग चुका है, और अपन जो है अब मैं आपको डोर क्लोज कैसे होते हैं ये मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो सारे डोर बंद है यहाँ पे, एक बार सारे डोर बंद करो, सारे डोर उतार दो, ये सारे डोर उतार दिए हैं भैया ने, ये मैं एक बार यहाँ पर कपड़ा लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कपड़ा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। हाँ ठीक है, ये अपन ने कर दिया है, ठीक है लॉक करते हैं, ये गाड़ी मैंने लॉक कर दिया है बिल्कुल, और अब ये गाड़ी अपन ने बाई चांस अपन इस कंडीशन में गाड़ी को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो भैया चाबी देना, तो ये गाड़ी है मेरी, ये देखिए, ये मैं इसको लॉक करूँगा, अभी गाड़ी ओपन है, तो जैसे मैंने ये गाड़ी लॉक करी देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पीछे का ग्लास उठ गया है, ये आगे का ग्लास उठ गया है बिल्कुल, उधर का ग्लास बंद हो चुका है, और ये वाला ग्लास बंद होने वाला, देखिए ये ग्लास बंद हो रहा है इस तरह से, ठीक है बिल्कुल इस तरह से गाड़ी बंद हो चुकी है, ग्लास भी लॉक हो चुके हैं बिल्कुल, यही फंक्शंस के लिए मैंने जो है ये लगवाई है। वापस मैं गाड़ी खोलता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, की वही रह गई है मेरी, और बिल्कुल गाड़ी के जो फंक्शंस थे वो यही रह गए हैं। मैं गाड़ी खोल देता हूँ देखिए, ठीक है, ये मैंने चारों डोर वापस से खोल दिए, ये डोर वापस खोल देता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ये इस तरह से, और इस बार मैं कपड़ा इस वाले डोर पर रख देता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे से विजिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। मैं चाबी निकाल लेता हूँ, सेम कोई दिक्कत नहीं हुई है गाड़ी में, ठीक है। अब देखिए गाड़ी में लॉक करने वाला हूँ, बिल्कुल कोई नहीं है गाड़ी में, ये मैंने गाड़ी लॉक कर दी, वो लास्ट वाला ग्लास हो गया, ये वाला हो गया है, वो वाला ग्लास हो गया है, और ये वाला ग्लास बंद हो गया है देखिए। तो गाड़ी बिल्कुल सेफ रहेगी किसी भी कंडीशन में, अगर आप गाड़ी का डोर बंद करना भूल, ग्लास बंद करना भूल जाते हो, तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिक ग्लास अपने ले लेगी और गाड़ी लॉक हो जाएगी इस कंडीशन में, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।